चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को केवल एक वीडियो में। बता दें कि अभी अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। सभी 75 जिलों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे, तो बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 28 नवंबर से शुभारंभ, अनुपूरक बजट को पास कराने की तैयारी। दरअसल यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुभारंभ का ऐलान हो गया है। 28 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। माना जा रहा है कि आज अयोध्या में होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। योगी सरकार का प्रयास है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में रुके विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। इसके लिए शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पास कराने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि यह सत्र एक हफ्ते चल सकता है और इसमें अनुपूरक बजट पास किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बिग बॉस विनर एल्विस से 3 घंटे में 25 सवाल। रात 2 बजे 7 वकीलों के साथ थाने पहुंचे, 3 बार पानी मांगा, सांप तस्करी से इनकार। दरअसल आपको बता दें कि सांप तस्करी और रेव पार्टी मामले में बिग बॉस OTT2 विनर एल्विस यादव रात 2 बजे नोएडा के सेक्टर 20 थाने पहुंचे। एल्विस अपने साथ 7 वकील लेकर पहुंचे। थाने में करीब 3 घंटे तक एल्विस मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस ने एल्विस से 25 सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान वह काफी डरे नजर आए। रेव पार्टी, सांप का नशा, सांप तस्कर, राहुल से कनेक्शन से जुड़े सवाल उससे पूछे गए। ज्यादातर आरोपों को एल्विस ने नकार दिया। कहा कि उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इस पूछताछ के दौरान एल्विस ने 3 बार पानी मांगा, 1 कप चाय भी पी। दोस्तों आपको क्या लगता है, एल्विस यादव बेगुनाह है या नहीं, कमेंट जरूर करें। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मोबाइल पर सरकार ने भेजा मैसेज, मुफ्त सिलेंडर के लिए करना होगा ये काम। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी भी मुफ्त सिलेंडर को लेकर बड़ी खुशखबरी आ गई है। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला कि मुफ्त सिलेंडर कैसे लेना है, तो आपको बता दें कि आपके मोबाइल पर सरकार ने मैसेज भेज दिया है। दरअसल उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार ने दिवाली पर तोहफा दिया है। उन्हें रसोई गैस मुफ्त दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने बड़ा मैसेज जारी कर दिया है, सबके लिए, सबके मोबाइल पर गया होगा। दरअसल मैसेज में लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 निःशुल्क LPG सिलेंडर दे रही है। शीघ्र अपने LPG वितरक से संपर्क कर आधार प्रमाणित EKYC करवाएं। आप तत्काल जाके अपने गैस डीलर से संपर्क करें, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। वैसे आपके यहाँ मैसेज आया नहीं, कमेंट जरूर करें। डायल 112 की 205 लड़कियों पर FIR, पुलिस ने बलवा तक की धाराएं लगाई। लड़कियां बोली, SP ने गलत तरीके से छुआ, उन पर भी हो केस। दरअसल दोस्तों यूपी डायल 112 की आंदोलन कर रही महिला कर्मचारियों के मामले को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है। पहले डायल 112 के ADG को हटाया और अब महिला कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ पुलिस की तरफ से 5 नामजद समेत 200 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वेतन बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर महिला कर्मचारी 3 दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। इन्हें सपा और कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव ने इन्हें लेकर एक के बाद एक कई पोस्ट कर चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी इन महिला कर्मचारियों से मिलने खुद पहुंचे थे। यूपी के कर्मचारियों के बाद पेंशनरों को योगी सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, DA में बढ़ोतरी का ऐलान। जी हां, आपको बताने के राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का लाभ मिलने के बाद 12 लाख से अधिक पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को यूपी की योगी सरकार ने दिवाली का तोहफा दे दिया है। धनतेरस से पहले उनकी पेंशन राशि में वृद्धि की सौगात दी है। पेंशनर को 4% वृद्धि के साथ अब 46% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार ने राज्य सरकार के सिविल, पारिवारिक, पेंशनर आदि को महंगाई राहत में वृद्धि की स्वीकृति से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया। यूपी में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर को बड़ी राहत। सरेंडर के बाद वारंट निरस्त, सभी मामलों में जमानत भी मिली। जी हां, आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत मिल गई। हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन समेत 3 मामलों में फरार उमर अंसारी ने बुधवार शाम श्वेता चौधरी की MPMLA कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया। इस दौरान उमर की तरफ से 3 मामलों में जमानत की अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। इसके साथ ही न्यायालय ने गैर जमानती वारंट तथा कुर्की की कार्रवाई निरस्त कर दी है। यूपी में डायल 112 मामले में FIR, भाजपा के महिला उत्पीड़न का एक और जीवंत उदाहरण। केस दर्ज होने पर भड़की अखिलेश यादव। दरअसल यूपी पुलिस की रिस्पांस टीम डायल 112 की महिला कर्मचारी पहली बार सड़कों पर है। 3 दिनों से सैकड़ों महिला कर्मचारी आंदोलित हैं। वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर FIR भी दर्ज करा दी गई। FIR दर्ज होते ही महिला कर्मचारियों का गुस्सा भड़का है। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश
ने कहा कि डायल 100 की महिला कर्मियों पर मुकदमा करना भाजपा के महिला उत्पीड़न का एक और जीवंत उदाहरण है। योगी सरकार ने डायल 100 का नाम बदलकर डायल 112 कर दिया है। इसके बाद भी अखिलेश अपना दिया नाम डायल 100 लिखते ही निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम किस तरफ से बोलते हैं, कभी सरकार का समर्थन करते हैं तो कभी विरोध, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ जनता की ओर से बोलते हैं। आपके लिए जो खबर फायदे की होगी, जो आपको जानना जरूरी है वो हम आपको बताएंगे। भले ही हमें कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन आप लोगों से दोस्तों सपोर्ट की उम्मीद है। और दोस्तों हाँ, न टाइम लगता है न पैसा लगता है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दें, बड़ा अच्छा लगता है। यूपी में आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश विभाग ने जारी की अंतिम तिथि। जी हाँ, आपको बताने की उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा और लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में वार्ड व ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर कार्ड बनाए जाएंगे। विशेष अभियान की निगरानी के लिए हर ब्लॉक में नोडल टीम का गठन किया गया है। आपको बताने कि फिलहाल 4,15,00,000 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा चुके हैं। आपके बने या नहीं कमेंट जरूर करें। यूपी एटीएस ने इनामी रोहिंग्या को जम्मू से किया गिरफ्तार। ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा आरोपी। जी हां, आपको बताने कि उत्तर प्रदेश के एडीजे ने बताया कि मूल रूप से म्यांमार निवासी हुसैन को 6 नवंबर को जम्मू में पकड़े जाने के बाद स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया था, उसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है। एटीएस ने जुलाई 2021 में एक ऐसे सिंडिकेट को पकड़ा था जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को धन का प्रलोभन देकर तथा धोखे से घुसपैठ कराकर लाता था। उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव से पहले आज अयोध्या में योगी के कैबिनेट बैठक, इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। जी हां, आपको बताने की भाजपा के राजनीति का मुख्य केंद्र रहे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में प्रस्तावित है। उससे पहले 11 दिसंबर शनिवार को दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन से पहले आज गुरुवार को योगी सरकार अपनी कैबिनेट की बैठक यहां करने जा रही है। बैठक के लिए तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया जा रहा है। राम के नगर में कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी। इससे पहले सीएम योगी प्रयागराज और वाराणसी में भी कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं। बृहस्पतिवार को सुबह 11:30 बजे यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में होगी। आपको बता दें कि इसमें अयोध्या, देवी पाटन और शुक्रताल धाम में तीर्थ विकास परिषद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा अयोध्या के ग्राम माझा जमथरा में 25 एकड़ नजूल भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया जा सकता है। और भी कई सारे बड़े फैसले हैं जो आज हम आपको बताएंगे। शाम को चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यूपी के कानपुर में 41 लाख का मिलावटी खाद्य तेल सीज, कई ब्रांड के रिफाइंड और सरसों तेल की हो रही थी पैकेजिंग। जी हां, आपको बताने कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में मिलावटी रिफाइंड और सरसों का तेल पकड़ा। जीटी रोड स्थित एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर 41 लाख से अधिक का मिलावटी और एक्सपायरी तेल को सीज किया गया है। छापे के दौरान सरसों का तेल, रिफाइन समेत अन्य तेल के कई कंटेनर बरामद हुए हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि छापे के दौरान यहां पर काफी अनियमितताएं मिली। कई ब्रांड के तेल पैकेज करते हुए मिले, साथ ही एक्सपायरी लाइसेंस पर ब्रांड की पैकिंग मिली है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे ब्रांडेड तेल के नाम पर नकली तेल भी बेचा जा रहा है। ज्ञानव्यापी में व्यास जी के तहखाने को डीएम के सुपुर्दगी में देने के मामले में सुनवाई पूरी, 18 नवंबर को आएगा आदेश। जी हां, आपको बताने की ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखानों को जिलाधिकारी के सुपुर्दगी में देने की मांग संबंधित मामले में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने फैसले के लिए 18 नवंबर की तारीख दी है। कोर्ट में वादी शैलेंद्र पाठक व्यास की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, साथ में सुधीर त्रिपाठी, वहीं विपक्ष में अंजुमन इंतजामिया की तरफ से मुमताज अहमद समेत कई अधिवक्ता, एसआई से जुड़े भारत सरकार के अधिवक्ता भी शामिल रहे। इसमें सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, 18 नवंबर को आएगा। यूपी के 60,000 घरों में पहुंचा सांसद स्मृति ईरानी का तोहफा, मिठाई, साड़ी, घड़ी और इलेक्ट्रिक थर्मस बांटे गए। आईटी और मीडिया सेल वालों के लिए भेजे फोन। जी हां, आपको बताने की केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी हर त्योहार पर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच उत्साह, उमंग और स्नेह के साथ शामिल होती रही है। अमेठी के हर घर परिवार से अपना सीधा जुड़ाव रखना चाहती हैं। इसके लिए लगातार वो प्रयासरत भी रहती हैं। इस दीपावली पर भी उन्होंने अपनों के लिए उपहार व मिष्ठान भेजा है। इससे पिछले कई दिनों से भाजपा नेताओं द्वारा गांव-गांव, घर-घर जाकर वितरित किया जा रहा है। युवाओं के साथ दिव्यांग जनों व मलिन बस्ती की महिलाओं के बीच पहुंच-पहुंचकर लोगों को दिवाली गिफ्ट दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर यात्रियों का सफर होगा आसान, अब घर बैठे ऑनलाइन बुक होंगे जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट।
जी हाँ, आपको बता दें कि अब घर बैठे ऑनलाइन जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक किए जा सकते हैं। मासिक सीजन टिकट MST का नवीनीकरण भी हो जाएगा। आर वॉलेट से किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों को रिचार्ज करने पर 3% का बोनस भी मिलेगा। रेल यात्रियों को यह सुविधा मोबाइल UTS ऐप पर मिलेगी। इसके लिए यात्रियों को एंड्रॉइड मोबाइल पर UTS ऐप लोड कर रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहाँ से आप ये कर पाएंगे। दिल्ली में पहली बार केजरीवाल सरकार करवाएगी कृत्रिम बारिश। IIT कानपुर ने सौंपा पूरा प्लान। जी हाँ, आपको बताने की अभी कल ही आपको IIT कानपुर के बारे में बताया था। अब दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण जो हालात बिगड़े हुए हैं, इससे प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार की जो मदद है वो IIT कानपुर करेगा। जी हाँ, आपको बताने की दिल्ली की मदद IIT कानपुर करने वाला है। हमारे लिए तो गर्व की बात है ही दोस्तों। IIT कानपुर की मदद से दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार 20 नवंबर के आसपास दिल्ली में जो नकली बारिश करवाई जाने वाली है। दिल्ली सरकार को IIT कानपुर ने पूरा प्लान सौंपा है। नकली बादल बनाए जाएंगे, फिर उससे बारिश करवाई जाएगी, जिससे कि धूल प्रदूषण जो कण है वो नीचे बैठ जाए। दिवाली पर UP से राजकोट, बरौनी, साबरमती, दानापुर, अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। जी हां, आपको बताने के त्योहार पर ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे की ओर से लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन बढ़ाया जा रहा है। रेलवे ने राजकोट, बरौनी, साबरमती, दानापुर, डॉक्टर अम्बेडकर नगर से पटना, अहमदाबाद से समस्तीपुर रूट पर त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने की समय सारणी जारी की है। यह सभी ट्रेनें प्रयागराज के रास्ते संचालित होंगी। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। इसके अलावा लखनऊ से पीलीभीत के सागर के बीच भी ट्रेन चलने जा रही है। पूरी लिस्ट देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों ने की पंचायत। मांगों को लेकर जन प्रतिनिधियों से मिलेंगे। नोएडा प्राधिकरण पर करेंगे बड़ा आंदोलन। दरअसल एक बार फिर से नोएडा प्राधिकरण पर किसानों ने आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। इस बार 1976 से लेकर 1997 तक के किसान हैं। किसान एकता संघ के बैनर तले किसानों ने सेक्टर 31 स्थित निठारी में एक पंचायत की। आपको बताने के पंचायत में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के स्थापना फाउंडर गांव को 10% भूखंड व 297 रुपए प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा एक समान नीति से दिया जाए। भूमिहीन को प्लाट और रोजगार दिया जाए। UP में बाइक पर बहन की देह। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने लिया एक्शन। CHC अधीक्षक और डॉक्टरों को हटाने के दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, यूपी के औरैया जिले में बहन की देह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बाइक से घर ले जाने का वायरल वीडियो के मामले में CHC अधीक्षक को हटा दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने बताया कि उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को CHC अधीक्षक और संबंधित डॉक्टरों को तत्काल वहां से हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी CHC PHC को मरीजों के लिए एम्बुलेंस सुविधा की सुनिश्चितता करने के लिए भी कहा गया है। जी हां, आपको बताने की जो भाई है, आप देख पा रहे, इसकी बहन अब नहीं रही। उसे अपनी बहन के देह को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब न हुआ, इसलिए उसे ऐसे जाना पड़ा। अब सरकार ने एक्शन लिया है। IIT BHU के 6000 स्टूडेंट सड़क पर उतरे। डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे बोले, जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं धरना जारी रहेगा। जी हां, आपको बताने की IIT BHU में छात्रा के कपड़े उतरवाने की जो घटना हुई थी, उसमें पुलिस ने 7वें दिन भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके विरोध में बुधवार शाम 6000 विद्यार्थी सड़क पर उतर आए। छात्रों ने IIT डायरेक्टर ऑफिस से 3 किलोमीटर तक जस्टिस रैली निकाली। छात्र हैदराबाद गेट और विश्वेश्वरैया चौराहे से होते हुए वापस IIT डायरेक्टर ऑफिस पहुंचे। इसके बाद डायरेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान छात्रों ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा। UPSC की नई बिल्डिंग का लेआउट आया सामने। 112 करोड़ रुपए में बनेगी G11 इमारत। डिजाइन अप्रूवल के लिए शासन को भेजा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई बिल्डिंग G11 का लेआउट सामने आया है। आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने डिजाइन को शासन से अप्रूवल के लिए भेजा है। G11 बिल्डिंग को बनाने में करीब 112 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कुल 11 मंजिला भवन बनाने में लगभग 112 करोड़ रुपए, 2300 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा 11 मंजिला भवन। UP के मेरठ में लोन न चुकाने पर मकान सील करने पहुंची टीम तो बेटी संग दूसरी मंजिल पर लटका पिता, मचा हड़कम। दरअसल मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में जाकर कॉलोनी में लोन का बकाया वसूलने आए फाइनेंस कंपनी के स्टाफ को देखकर बकायेदार पिता और उसकी बेटी दूसरी मंजिल की छत से लटक गए। गले में डोरी लगाकर लटकने की धमकी दे डाली। इस पर फाइनेंस कंपनी स्टाफ और पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। बाद में टीम ने उसे समझाया और सेटलमेंट के लिए 2 दिन का समय दे दिया। टीम ने नीचे के हिस्से को सील कर दिया है। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, हाईवे से संगम घाट तक 56 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने सूबे के प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान से चंदौली संसदीय क्षेत्र के विकास योजनाओं की दिल्ली में चर्चा की। प्रमुख सचिव ने बताया कि हाईवे से मारकंडे महादेव तीर्थ स्थल कैथी के संगम घाट तक बनने वाली सड़क की 56 करोड़ की योजना को अनुमति मिल गई है।
यूपी मैत्री कामत के खात्मे पर भी पत्नी शाइस्ता नहीं आई सामने। संपत्ति पर दावे के लिए क्या आएगी? 3 महीने का मिला समय, वरना हो जाएगी कुर्क। जी हाँ, आपको बताने की माफिया अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस हिरासत में कांड हो गया था, आपको पता होगा। उसके बाद भी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई, अंतिम दर्शन के लिए कब्रिस्तान भी नहीं पहुंची। अब पुलिस ने 12,42,00,000 की अतीक की बेनामी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के बाद मालिकाना के दावे के लिए 3 महीने का समय दिया है। सवाल यह है कि जब शाइस्ता अपने शौहर के खात्मे पर भी नहीं आई तो क्या वह संपत्ति बचाने के लिए आएगी? फरार शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा है। उसके 2 बेटे जेल में हैं, दोनों छोटे बेटे अपनी बुआ के शरण में हैं। उत्तर प्रदेश में आश्रम पर कब्जे के लिए बेटे ने दी महंत पिता की सुपारी, सूत्रों को पुलिस ने पकड़ा। जी हां, आपको बताने की मथुरा में किशोरी कुंज आश्रम पर कब्जे के लिए बेटे ने महंत पिता की सुपारी दे डाली। इससे पहले कि बदमाश उस काम को अंजाम दे पाते, रात उनका सामना पुलिस से हो गया। जी हां, आपको बताने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ लिया है। पुलिस की गोली 4 बदमाशों को लगी, अन्य को दौड़ाकर पकड़ लिया। सभी 11 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि स्वामी राज का अपने बेटे केशवदास से विवाद है और आपको बताने केशवदास ने जो है आश्रम विवाद को लेकर सुपारी दी। आचार संहिता के उल्लंघन केस में फिर कोर्ट नहीं पहुंची अभिनेत्री जयाप्रदा, गिरफ्तारी वारंट जारी। जी हां, आपको बताने कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद जयाप्रदा फिर कोर्ट नहीं पहुंची। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होगी। सोमवार कोतवाली में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2019 में मुकदमा कायम कराया गया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है और पूर्व सांसद को अपने बयान दर्ज कराने हैं। रील बनाने के लिए लखनऊ एक्सप्रेसवे किया ब्लॉक, वीडियो वायरल, 4 स्कॉर्पियो से आए थे युवक, जमकर की स्टंटबाजी, पुलिस कर रही तलाश। जी हां, आपको बताने कि आगरा में रील बनाने को लेकर युवा अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं डर रहे हैं, रील बनाने का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रील बनाने का वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ युवक पुलिस का स्टिकर लगे स्कॉर्पियो पर स्टंटबाजी कर रहे हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रील बनाने और रंगबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ युवा यूपी पुलिस का स्टिकर लगे स्कॉर्पियो से पहुंचते हैं, वह बेखौफ होकर रंगबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब इन पर जांच बैठ गई है। यूपी के उन्नाव में सरकारी प्याज खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, महिलाओं और पुरुषों की लंबी लगी लाइन, प्याज के बढ़ते दाम से लोग परेशान। जी हां, आपको बताने कि उन्नाव में प्याज के बढ़ते दाम से लोग परेशान हैं, जिससे ज्यादातर लोगों के किचन में प्याज नहीं आ रहा और उनका खाने का जायका बिगड़ रहा है। तो आपको बताने कि जब सरकारी प्याज का लोटर आया, यहां कम कीमत पर प्याज मिलने की सूचना पर खरीदारों की लंबी कतारें लग गई। प्याज खरीदने के लिए लोग मारामारी करते नजर आए। नगर में भारत सरकार द्वारा रियायती दर पर प्याज का बैनर लगाकर एक लोडर प्याज बेचने नगर की सब्जी मंडी पहुंचा। 25 रुपए किलो का भाव सुनकर प्याज खरीदने के लिए लोगों की होड़ उमड़ गई। यूपी के इस जिले में खाली कराए जाएंगी अवैध दुकानें व आवास, जांच के बाद नोटिस हुआ जारी। दरअसल जिला सहकारी फेडरेशन DCF की दुकानों पर अवैध ढंग से काबिज लोगों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। नदेसर स्थित 90 दुकानों की जांच में बमुश्किल लगभग 25 से 30 दुकानों के आवंटन संबंधी दस्तावेज ठीक मिले हैं। वाराणसी जिला सहकारी फेडरेशन के सचिव ने बताया है कि आवंटन संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने के कारण 26 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर निर्माण मामले में फैसला सुरक्षित, दोनों पक्षों ने पेश की दलीलें। जी हां, आपको बताने के इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर मामले में बुधवार को सुनवाई जारी रही। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। इस मामले की सुनवाई कई दिनों से लगातार चल रही है, अब फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, जल्द इसे उजागर किया जाएगा। यूपी में RLD प्रमुख जयंत चौधरी बोले, राजस्थान में कांग्रेस के साथ किया समझौता, अखिलेश की नाराजगी जायज। जी हां, आपको बताने कि एशियन गेम्स के पदक विजेताओं का सम्मान करने के लिए रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह बागपत पहुंचे। जयंत चौधरी बागपत के खेड़का के गांधी इंटर कॉलेज में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि जहां भाजपा सरकार में है वहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वही इंडिया गठबंधन के मामले में कहा कि अखिलेश की जो नाराजगी है बिल्कुल जायज है। कांग्रेस ने हमारे साथ राजस्थान में भी हमें काफी समझौता करना पड़ा, कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया। यूपी में रामगढ़ ताल में क्रूज जल्द शुरू होने की उम्मीद, क्रूज का पैसेंजर वेटिंग प्लेटफॉर्म पानी में उतरा।
जी हां, आपको बताने की देर से ही सही, लेकिन अब गोरखपुर के रामगढ़ ताल में जल्दी क्रूज का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। बुधवार शाम क्रूज पैसेंजर वेटिंग प्लेटफॉर्म पानी में उतारा गया। इसे क्रूज के साथ जोड़कर परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट क्रूज का शुभारंभ हो जाएगा। रामगढ़ ताल में लग्जरी क्रूज चलाने की योजना जीडीए ने बनाई है। करीब 11 करोड़ की लागत से लग्जरी क्रूज बनाया जा रहा है। इसमें रेस्टोरेंट के अलावा बार की सुविधा भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में डीएम ने कराई धान के फसल की क्रॉप कटिंग। धान का उत्पादन बढ़ने पर अफसर हुए खुश, बोले किसानों की मेहनत से हुआ संभव। जी हां, आपको बताने की चंदौली के सदर विकास खंड के मधुपुर गांव में कृषि विभाग के द्वारा धान के फसल की क्रॉप कटिंग कराई गई। इस दौरान मौजूद डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने धान की उत्पादकता को परखा तथा उपज का बारीकी से निरीक्षण किया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूपी की रोज की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें।